वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। बैंक निफ्टी में मेरे पास पहले ओपन है वीकली कैंडल। वीकली कैंडल में आप देखेंगे यहाँ पर शूटिंग स्टार मिला है। अभी शूटिंग स्टार के आसपास का लो या 43,000 के नीचे मार्केट एक दो दिन अगर होल्ड कर जाता है तो फिर 1,500 पॉइंट की सेलिंग में और प्लान कर रहा हूँ बैंक निफ्टी के अंदर। अभी हम डेली कैंडल में चल के देखते हैं कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या प्लान होना चाहिए, कहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं। डेली कैंडल आप देखोगे मार्केट कहीं ना कहीं 43,200 के आसपास बंद हुआ है। एक लॉन्ग बॉडी रेड कैंडल देन एक डोजी के बंद हुआ, ये स्ट्रेटेजी मैंने आपको अभी दो दिन पहले ही इंस्टाग्राम पे बताई है। अगर ये डोजी का लो ब्रेक होता है 43,100 के नीचे तो 250 पॉइंट की सेलिंग तो हमें नॉर्मली मिल जाएगी। 42,850 तक निफ्टी गिर सकता है बैंक निफ्टी। अगर हम यहां पर 15 मिनट टाइम फ्रेम में चल के देखें क्या प्लान हमारा होना चाहिए कल मंडे के लिए, तो सिंपली देखो यहां पर बैंक निफ्टी के अंदर नो डाउट हमें एक डब्ल्यू पैटर्न मिला है। 15 मिनट टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूं, पर क्या ये डब्ल्यू पैटर्न के बाद हमें यहां पर बाय करना चाहिए क्या अगर यहां से मार्केट ऊपर निकलता है तो? 43,450 के आसपास ये डबल बॉटम की नेकलाइन ब्रेक होगी। इसके पास में अगर बाय करते भी हो तो 100-150-200 पॉइंट से ज्यादा बाइंग टारगेट रखना मत, क्योंकि 43,600 से ये रिजेक्ट हुआ था जो मैं आपको थर्सडे को वीडियो में बता के गया था। 43,600 से 700 के बीच में कहीं पर भी वापस रेजिस्टेंस लेगा तो बेचेंगे, तो हमारे पास 43,700 से 600 का ये रेजिस्टेंस होने वाला है। अगर 43,450 के ऊपर डबल बॉटम को ओनली देख के यहां पर बाय कर रहे हो 200 पॉइंट के बाद में एक और रेजिस्टेंस मिल जाएगा तो थोड़ा सा स्कैल्पिंग के लिए ही बाय करना, छोटे मोटे प्रॉफिट के लिए। अदरवाइज इस बाय ट्रेड को छोड़ दो तो ज्यादा बेटर है। 43,600-700 के आसपास आएगा इस रेजिस्टेंस के आसपास, वापस एक बार गिरने की कोशिश करेगा, ऊपर आता है 43,650-700 के आसपास हम नेगेटिव कैंडल देख के सेलिंग प्लान करेंगे। अगर मार्केट ऑलरेडी एक गैप अप ओपनिंग दे रहा है, गैप अप ओपनिंग में तो बिल्कुल बाइंग नहीं बनती है, चाहे 450 के ऊपर निकले चाहे कहीं पर भी निकले, 43,600-700 के बीच में आने का वेट करेंगे, वहीं पर नेगेटिव कैंडल देख के सेलिंग करेंगे, गैप अप के बाद बाइंग नहीं करेंगे। फ्लैट ओपनिंग दे रहा है मार्केट, अगर यहीं पर खुल रहा है 43,200-350 के आसपास तो नो ट्रेड रहेगा, ये 250 पॉइंट की वॉलिटिलिटी होने वाली है जहां पर ट्रेड नहीं बनता है। अगर फ्लैट ओपनिंग देखे 43,100 को नीचे ब्रेक करता है तो एक सेल ट्रेड मिलेगा, 150-200 पॉइंट, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं। 43,100 के नीचे, इसके नीचे हम सेल कर भी रहे हैं तो फर्स्ट टारगेट हमारा 100 पॉइंट का होना चाहिए 43,000 का, क्योंकि राउंड नंबर है, पर ये इससे ज्यादा दे देगा आपको। 42,850 तक के सपोर्ट तक बैंक निफ्टी और गिरावट दिखा सकता है, तो 43,100 के नीचे सेल करते हो। अगर आप ऐसे ट्रेडर हो जो रिस्क रिवॉर्ड लेके मैनेज करके चलता है, 42,850 तक के टारगेट बनते हैं। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो 43,100 के नीचे तो 43,000 तक के 100-150 पॉइंट के टारगेट आपको लेके चलने हैं। अगर हम बात करें यहां पर निफ्टी की, निफ्टी में 18,250 के आसपास आपको यहां पर क्लोजिंग मिली है। नो डाउट अगर हम डेली कैंडल देखें तो 18,000 राउंड नंबर के आसपास आपको सपोर्ट मिलने वाले हैं। 18,120 भी सपोर्ट है, उसके नीचे 18,000 के आसपास भी सपोर्ट है, तो 200 पॉइंट का डेली कैंडल में देख रहे तो और गैप है जो सेलिंग आ सकता है, बट बाद में 18,000 से 17,950 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होंगे जहां से मार्केट वापस ऊपर जाने की बुलिश ट्रेंड में जाने की कोशिश करेगा। पर 200 पॉइंट के लिए फिलहाल हम अभी सेलिंग प्लान कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। अगर हम यहां पर निफ्टी में 15 मिनट टाइम फ्रेम देख के चलें कैसे ट्रेड करना है कल मंडे के दिन, क्या प्लान होना चाहिए, तो निफ्टी में भी देखो यहां पर डबल बॉटम तो नहीं बना है, दो बॉटम लग चुके हैं पर बॉटम से यहां से रिवर्स नहीं किया है। निफ्टी में अगर आपको बाय ट्रेड करना भी है तो मिनिमम टू मिनिमम 18,450-400 के ऊपर निकलने के बाद में बाइंग करना, जो लास्ट स्विंग है उसी के ऊपर बाइंग बनेगी। फ्लैट ओपनिंग दे रहा है 270 से 400, ये 130 पॉइंट के बीच में निफ्टी में नोटा है, नो ट्रेड है, इसके बीच में आपको ट्रेड नहीं करना है। फ्लैट ओपनिंग देके 18,250 के नीचे निकल रहा है तो यहां पर एक सेल ट्रेड मिलेगा जो इसको 18,120 तक की गिरावट दिखा सकता है। अगर 18,120 से नीचे निकला तो डायरेक्ट राउंड नंबर 18,000 निकलेगा, जो कल और परसों अगर फॉलो होता है तो हम देखते हैं। अगर ऑलरेडी एक गैप डाउन मिल रहा है ना, चाहे निफ्टी में चाहे बैंक निफ्टी में, वेट एंड वॉच रखना, क्यों? 18,250 सपोर्ट है, बैंक निफ्टी में 43,000 सपोर्ट है, ये लेवल अगर गैप डाउन में ब्रेक हो रहे हैं तो वेट करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, मॉर्निंग में देखेंगे क्या ये ऊपर आके रीटेस्ट हो रहा है, गैप डाउन देने के बाद में यहां पर रेंज बना के फिर नीचे जा रहा है तो सेल करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है गैप डाउन देके यहां पर कोई रिवर्सल पैटर्न बना के यहीं से मार्केट बुलिश हो जाए, तो गैप डाउन आने के बाद में थोड़ा वेट एंड वॉच रहेगा, कैसे क्या प्लान होता है प्राइस एक्शन देखेंगे, उसके बाद में ट्रेड करेंगे। फ्लैट ओपनिंग 18,250 के नीचे निफ्टी सेल है, 18,120 तक के टारगेट, फ्लैट ओपनिंग में ऊपर निकल रहा है तो बाइंग नहीं है। अगर हमें ऊपर 18,375-400 के आसपास वापस से सेल ट्रेड मिल रहा है तो जरूर कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, बाइंग हम तब तक नहीं करेंगे जब तक ये 18,450 के ऊपर नहीं निकल रहा। 450 के ऊपर निकलता है तो फिर 18,600 तक के बाइंग टारगेट हम निफ्टी में लेके चल सकते हैं। अगर हम बात करें यहां पर निफ्टी फाइनेंस की, निफ्टी फाइनेंस देखो
कहां पर बंद हुआ है पहले क्लोजिंग देखते हैं हम, ज्यादा मैं ट्रैक करता नहीं हूं। 19,150 हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके नीचे जाके ये 19,030 तक के टारगेट आपको दे दिया 100-125 पॉइंट के, जो मैं आपको बता के गया था। 19,100 के आसपास बंद हुआ है, यहीं पर फ्लैट ओपनिंग मिलके 19,200 के ऊपर निकलता है, यहां पर डब्ल्यू पैटर्न कंफर्म हो जाएगा और निफ्टी फिन में आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि 19,150 का हमारे पास सपोर्ट था, वो सपोर्ट ब्रेक हुआ वापस से उसी रेंज में आ रहा है, तो 19,200 के ऊपर बाइंग बनेगी। 19,350 तक के फिर से टारगेट रहेंगे निफ्टी फिन में। फ्लैट ओपनिंग देखे, जब भी ये 19,000 के नीचे निकलता है निफ्टी फिन के अंदर एक सेल ट्रेड बनेगा, 19,000 के नीचे आपको एक अच्छा सेलिंग टारगेट भी मिलेगा। इसके अलावा कोई कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, अगर ऑलरेडी एक गैप डाउन आ रहा है 19,000 के नीचे तो पहले वेट करेंगे, उसी के बाद में हम निफ्टी फिन में भी सेलिंग प्लान करेंगे।